आई डोंट नो वो इतना डर्टी क्यों जा रही है और क्यों कर रही है। एंड बिग बॉस की अगर बात करें, लोग बहुत देखना चाह रहे हैं, कमेंट्स भरे रहते हैं, बिग बॉस जाओ, बिग बॉस जाओ, बिग बॉस जाओ। मेरे बारे में बहुत चीजें बोली थी, बट आई वाज लाइक मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे देखना तक नहीं है, ये लोग मेरे लिए नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैं अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहा हूँ और जो ऑनलाइन है बोलने दो। और ये चीजें मैं सचिन को समझाने की कोशिश की, आई वुडंट से दैट, मतलब लोगों की नजर लग जाती है। वो चीज एक माइंड में थी डेफिनेटली कि भाई दिग्विजय चैलेंज हारा तो घर। हाय एवरीवन, दिस इज दिग्विजय सिंह राठी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। टॉकिंग अबाउट योर कनेक्शंस इन द शो काफी चेंज हुई है कनेक्शन. सबसे ज्यादा कनेक्शन आपकी हुई है. सचिन है ना, सचिन के हाँ आगे दिग्विजय सचिन कनेक्शन। हाँ बहुत चेंज हुई और वो मेरे मन से चेंज नहीं हुई, सबसे हाँ बुरी बात है। तो मैं अपने मन से चेंज कर रहा होता, चलो अब यहाँ चलते हैं, अब यहाँ चलते हैं, घूमते हैं, अब इसको एक्सप्लोर करते हैं, अभी यहाँ खेलते हैं, ये सही लग रहा है, अभी ये नहीं होगी बोर या ऐसा कुछ होता तो चलो फिर ठीक है, मेरे मन की चीजें चल रही है। बट ऐसा था ही नहीं। पहले उन्नति के साथ आइडियल मैच, जी 5 मिनट में ही आइडियल मैच से हटा दिया गया। फिर आई बिकेम आइडियल मैच विद नायरा। नायरा ऑब्वियसली वो गेम परस्पेक्टिव से या आइडियल मैच बनना इम्पोर्टेंट है, तभी सेव कर पाएंगे, और पूरा विला वगैरह यही था ट्रू तो सेव रहना इम्पोर्टेंट था। एटलीस्ट मैं या कोई एक दो दोस्त तो सेव रहे, जी तो वहां पे अपॉर्चुनिटी दिखी, नारे के साथ आइडल मैच बना, फिर इन्होंने ऑप्शन दे दिया, फिर उन्नति डंप हो गई। आई वाज लाइक भाई, मेरे को था कि आगे कभी ना कभी ऑप्शन आता है कि भाई जी चेंज कर लेंगे नायरा के साथ, और फिर एक बार आइडल मैच खुल जाएंगे तो आई विल प्ले विद उन्नति ऑब्वियसली एंड स्टेजेस में। अगर दो तीन चार डोम बचे हैं तो उन्नति के साथ खेलेंगे, कोई बात नहीं, फिर जो होगा देखा जाएगा, जी निकलेंगे निकलेंगे, बट स्टार्टिंग ऑफ द फेज में वो रिस्क नहीं ले सकता था। उन्नति डंप हो गई और डोम में नहीं हुई कि मैं थोड़ा हाँ प्लानिंग प्लॉटिंग कर लूँ या कुछ चीजें कर लूँ। एक चैलेंज हारे हम एक टाइम पे ही, 6 में से का 3 को उड़ा दो हर्ष को, और वही मैं पिछले अगर 2-3 डोम्स देखेंगे आप लोग, मैं जीत के बैठा हुआ वहाँ, मुझे अब तक समझ नहीं आया कि पावर कहाँ है। अभी भी लास्ट डोम में बोला कि भाई ये पावर का पल है, जी बट पूरे डोम में पावर कहाँ थी वो मुझे समझ नहीं आया। दैट वाज द ट्रिकी वन. पूरे हाँ सीजन में हाँ मतलब पावर होकर भी नहीं थी. हाँ मतलब ये जो अभी फेस चल रहा है, जो या शो चल रहा है लास्ट स्टेजेस में, इस टाइम पे आई वाज वेरी यू नो अनॉयड, मतलब मैं बोल भी नहीं रहा हूँ वहां पे खड़ा होके ना, क्योंकि काफी ज्यादा मन हट चुका था मेरा। जी मेरा सिर्फ फोकस था चैलेंज करना है, जीतना है, और कुछ नहीं मुझे, मतलब मुझे कुछ ना बोलना है ना कुछ है, क्योंकि इतना ज्यादा दिमाग में घूम रही थी कि चीजें कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं चैलेंज जीत रहा हूँ, मैं फिर कनेक्शन अगर मेरे चेंज हो रहा है, मैं दूसरे के साथ भी मैनेज हाँ कर रहा हूँ, और फिर भी एक भी पावर नहीं आती है। इन इनके पास पावर आई, 6 में से 3 को उड़ा दिया, फिर वही एक इंसान को वोट आउट कर दिया गया है, वो वाइल्ड कार्ड आ गया। जी वही मैं एक्सपेक्ट जी करता हूँ कि चलो उन्नति गई है, चलो निकल गई, और वो डोम में निकली और बहुत अलग तरीके से निकली, तो उसका तो बनता है एक चांस, तो वो वाइल्ड कार्ड आएगी। अब जिस डोम में ये नारा यहाँ से उठ के गई, आई वॉज थ्रू आउट लुकिंग आउटसाइड कि भाई यार उन्नति आएगी, अब तो उन्नति आएगी. आएगी, क्योंकि अब मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा बैठ के, जी क्योंकि बीच में कट्स वर्ट थे 1-1.5-2 घंटे के। तो आई वॉज लाइक भाई उन्नति आएगी, मैं खुश पूरा, कि और कोई बनता ही नहीं है कुछ हाँ चांस, क्योंकि वहां से कोई आएगा ऐसा कुछ माइंड में चला ही नहीं। बट फिर वहां से आता है कि ट्विस्ट, वहां से कोई क्या सीखा, फिर एक और नया इंसान आके बैठ चुका जिससे बात ही नहीं हुई है, अब उसके साथ कंफर्ट जोन बनाना है कि भाई, क्योंकि चैलेंजेस परफॉर्म थ्रू करने कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि भाई कैसे परफॉर्म करेंगे, कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, अब उससे मैं बनाऊं बॉन्ड, इतना हाँ मेंटल स्ट्रेस है, बात करने का मन नहीं है किसी से, दिमाग खराब हो रखा है कि भाई शो, फोकस भी करना हाँ है. हाँ शो कुछ चल ही नहीं रहा है अपने हिसाब से, पूरा ही चला है। फिर अपने आप को मेंटली समझाओ कि भाई कोई बात नहीं, दिख रिलैक्स, शो जीता ना इन दी एंड, तू जी बाहर बोल गया अपने मम्मी पापा को कि तू शो जीत के ही निकलेगा, जी उस पे ध्यान दे, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहेगा। फिर उसके साथ बना रहे हैं, बॉन्ड कर रहे हैं, इट वाज टफ, मतलब ये जो ये वाला फेस था ये बहुत मुश्किल हो गया था, मुझे लगा था कि मैं बट रो, आपने रो, कशिश के साथ भी टास्क जीता. हाँ मतलब वो चीज एक माइंड में थी डेफिनेटली कि भाई दिग्विजय चैलेंज हारा तो घर, फिर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं किसी के आगे पिच नहीं करूंगा, मैं किसी को ट्रू बोलूंगा नहीं कि प्लीज मुझे सेव कर लो या वैसी कोई चीज करूंगा। एक लक्ष्य दोस्त है, अगर उसके पास पावर आई तो हो सकता है वो सेव कर ले, वरना ये बाकी के पास कुछ भी आए तो ये निकाल देंगे, सचिन. सिंपल एज दैट। सचिन अब वो उन्नति के साथ ही हाँ निकल चुका तो नहीं, मैं वही पूछने वाली थी. जब सचिन इविक्ट हुए, हाउ वाज दैट मोमेंट फॉर यू आल्सो, बिकॉज था। हाँ दोस्त भी था एक अच्छा आपका ये शो में. मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि उस टाइम वो उन्नति का ही था मेरे माइंड में। हाँ सचिन बहुत अच्छा दोस्त है एंड मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल और लॉजिकल सा हूँ लाइफ में, कि भाई 4 दिन का और शूट होता था, 5 दिन का शूट, जी मैं 5 दिन बाद मिल लेंगे, और गेम के लिए वो चीजें करता था ठीक हाँ है, बट हाँ ही गेव अ लॉट टू द शो, यस
मतलब वो अपना 100% देगा थ्रू आउट, चाहे जो मर्जी हो, मैं चाहे आके मैं बीमार वगैरह था तो मैं रूम में बैठा रहा, बट वो कहीं ना कहीं जाके प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, कुछ ना किसी को कुछ कुछ कर बोल, रहा है कुछ ना जी। कुछ तो करता रहेगा। अब सचिन शांत नहीं हो नहीं, सकता। सचिन वाज, वो एक पार्ट होता है ना, एक एंटरटेनिंग फैक्टर हमारे शो में, यस मतलब मेरा था गेम पर्सपेक्टिव थोड़ा उन्नति के साथ, बट उसका जो एंटरटेनिंग फैक्टर था ना, मतलब वो स्विच कर रहा है लड़कियां वगैरह, वो बढ़िया है, चलो ठीक है भाई, क्या हो गया, वो यंग लड़का है, जी उसको कभी उसके साथ कनेक्शन बना, कभी उसके साथ जो उसे ठीक लग रहा है वो या कर रहा है। फिर आप देखो ना डोम में उसने मूवमेंट जो दिए, वो स्वास्तिका वगैरह के साथ डांस वांस जो किया, फिर फ्लिप्स जो मारी, फिर या शायरियां मारी, मैं ये सब नहीं कर सकता, तो भाई उसने बढ़िया किया, मेरे को मजा आता है सचिन को स्क्रीन पे बट देखने में। सचिन पे भी काफी एलिगेशंस भी लगे लाइफ हाँ में आके, उन्होंने भी काफी कुछ बोला है, क्या कहना चाहेंगे उस चीज नहीं, पे। सचिन अभी कल रात भी साथ था बैठे थे हम लोग, तो मैं हाँ उसको यही बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई तू मत बोल, जैसे कि मैं करता हाँ हूँ, मैं नहीं करता, मैं नहीं बोलता, मैं कहा यार तू मत बोल, मैं कह लेट हर स्पीक, और ठीक है वो भी अपने पार्ट पे, जब इतने गंदे गंदे एलिगेशंस कोई आप बहुत पे ज्यादा लग बहुत ज्यादा जाए। एक्सट्रीम लगा दे, और उस टाइम के बाद वो एक बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला था, मेरे घर आया, हमने 2 घंटे बैठ के बात की, मेरे बारे में बहुत चीजें बोली थी, बट आई वॉज लाइक मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे देखना तक नहीं है, ये लोग मेरे लिए नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैं अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहा हूँ, और जो ऑनलाइन है बोलने दो, और ये चीजें मैं सचिन को समझाने की कोशिश की, बट सचिन को बट बहुत बहुत हु इज हर्ट। राइट एंड हु इज रॉन्ग इन सचिन, जो कंट्रोवर्सी चालू है या वी कैन से एलिगेशन जो उस पे लग मेरे रहे हिसाब हैं। से सचिन ज्यादा राइट है इस चीज में, मैं ये नहीं करूंगा सचिन कंप्लीटली राइट है, हाँ सचिन की भी कुछ चीजें ऊपर नीचे रही होंगी यार, दोनों की चीजें है ना, अब मेरा जो था इशिता के साथ उसमें भी मैं नहीं कहूंगा वो पूरी गलत थी या मैं पूरा गलत था, दोनों चीजें हैं, बट आई फील सचिन ज्यादा सही है और वो इंसान ज्यादा गलत है, क्योंकि बिल्कुल ही बेसलेस चीजें उसने बोली है। सचिन का चलो मैं मान लूं कि उसकी उसने बातें जो बोली होंगी वो मुझे शायद ना पता हो और शायद ऐसा हुआ हो, बट जो मेरी बातें बोली है मुझे पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और उसने वो क्लियरली झूठ बातें बोली है, तो वो मेरे लिए झूठ बोल सकते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली बोल सकते हैं, और उसके झूठ 2 3 4 बार तो क्लियरली पकड़े गए हैं, जी तो आई डोंट नो वो इतना डर्टी क्यों जा रही है और क्यों कर रही है, शो हो गया है ठीक है, कुछ बात शो को लेके तुम जो मर्जी बोलो, जो शो में जी बातें हुई हैं वो जो मर्जी करो, बट ये सब उसको क्या शूट बढ़ाओ के मत। समय नहीं हुआ थी बातें या कन्वर्सेशंस वो समय ये नहीं हुई थी? नहीं, इतना एक्सट्रीम नहीं होता जितना इन्होंने अब बाहर बना दिया है लाइव्स और पॉडकास्ट वगैरह पे, आई डोंट नो, पता नहीं इतना ज्यादा लाइमलाइट के लिए कर रहे हैं या फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर बिग बॉस या जो मर्जी, मेरे को या समझ नहीं आ रहा है, बट इतना नहीं करना चाहिए आई फील। बट हैज़ नो व्यूअर भी ऑलवेज न्यू कि आप लोग अगर शूट कर रहे हो तो उसके बाद भी आप टाइम स्पेंड करते हो, हाँ तो तब ये सब कन्वर्सेशन वहाँ पे क्लियर नहीं होती है, वहाँ पे ये सब बातें बात नहीं हो पाती है कि नो यू आर रॉन्ग, यूर आपको ऐसा करना चाहिए। बिकॉज द मेन क्वेश्चन इज लाइक वाई नाउ, बिकॉज ये तो शूट प्री शूट हो जाता हाँ है। मैं बताता हूँ आपको, बहुत स्ट्रिक्ट सर्कमस्टांसेस के अंदर शो होता, जी हमारे पास बस रात होती है, हमारे पास 4 5 घंटे मिलते हैं सोने में, अब उसमें आप सोलो या लोगों से जाके बात कर लो, और जब कैमरा कट होता था, जस्ट फॉर एग्जांपल डोम है, या उसमें 3 कट्स लगते थे, आई गेस 3 4 कट्स, हाफ हाफ 40 हाफ एन आवर 45 मिनट्स के, तो प्रोड्यूसर्स हमारे आगे आ जाते थे, एंड वी आर नॉट अलाउड टू टॉक, कोई बात कर रहा है तो उसको शांत करो। खुसफुस भी किसी ने कर दिया, माइक्स लगे हुए हैं, पीसीआर में सुनेगा, वहां वॉल्यूम अप हो रखी है, अगर कुछ भी बोला तो वो पता लगेगा वहां पे, और फिर तुम्हारी रगड़ी जाएगी कि भाई जब बोला है बात नहीं करनी तो नहीं करनी, तो ओके मम्मी चाय पियो कॉफी पियो बैठो आराम से, बात नहीं करनी, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करनी, और कुछ ऐसी बात नहीं बोलनी जो कैमरे पे ना पाए, जी तो ये मैं तो पर्सनली अपनी बात करूं, मैं ये अपने लोगों के अलावा किसी से बात करता नहीं था हाँ ऑफ कैमरा, मतलब मेरे लक्ष्य डिकेला सचिन उन्नति बस ये लोग थे जिनसे मैं बात करता था, तो वो ऑफ कैमरा बातें थोड़ी सॉफ्ट में होती थी, बट ऐसे क्लियर नहीं होती थी कि उसने गलत बोला उसने गलत बोला, वो फिर गुस्सा रह जाता था और फिर होता था इस इंसान से मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि इतना गंदा गंदा बोल दिया गया, तो ये ऐसा सिनेरियो रहता उन्नति के साथ बॉन्ड कैसा है, क्या था। बोलना चाहोगे उन्नति के बॉन्ड के बारे में? बिकॉज वी हैव सीन नो ऑडियंस ऑलवेज वांट टू सी यू विद उन्नति। हाँ बहुत ज्यादा लोगों का प्यार आ रहा है ये उन्नति रिश्ता और को क्या निकले। आप नाम दोगे? प्यार दोस्ती है, आई विल स्टिक टू दैट, और बहुत अच्छा बॉन्ड है, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि मैं उतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ और वो सब चीजें नहीं है, तो शो में भी वो चीजें कम थी, बट मैं हमेशा बताता हूँ शो के बाद बहुत बहुत अच्छा बॉन्ड रहा, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, इवन दो वो दिल्ली रहती है, मैं कभी चंडीगढ़ होता हूँ मुंबई होता हूँ, तो वो अभी भी कल भी आ रही है वो, जैसे तो बहुत अच्छा चल रहा है, आई एम हैप्पी,
और खुश है हम दोनों ना एक दूसरे की कंपनी सो में यू गाइस हमें आर डेटिंग ईच अदर इन अ रिलेशनशिप. आई वुडंट से दैट, मतलब लोगों की नजर लग जाती है कुछ ऐसा बोलने पे, तो हम अच्छे दोस्त हैं, हम वाइब कर रहे हैं, हम खुश हैं, चीजें अच्छी चल रही वाइब हैं। मैच हो रही है. हाँ डेफिनेटली वाइब काफी मैच हो चुकी है, मुझे लगा नहीं था युनिति मेरे टाइप की है बिल्कुल, बट मजा आ क्यों? रहा है। मेरे को लगता है बहुत ज्यादा मेच्योर लड़की चाहिए मुझे जो सॉर्टेड हो, ऐसा हो वैसा हो, जी बट मेरे को उससे मिलके पता लगा कि भाई देख जो तेरी लाइफ में मिसिंग चीज है ना वो थोड़ा फन फैक्टर और थोड़ा वो बबलीनेस हाँ और थोड़ा चिल रहना लाइफ में, स्टे इन द मूवमेंट, वैसे मैं रहता हूँ, बट वो उसने आके आई फील की फिल कर दिया। या हाँ और सो वहीं उसकी लाइफ में वो चीज़ काफी अच्छे तरीके से फील करता हूँ कि भाई वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती थी अभी जी बीच बीच में, ये स्प्लिट्स वाला उसका जैसे मेजर फर्स्ट शो था, तो लोग आके कुछ बोल रहे उल्टा पुल्टा, तो मैं उसे चीजें समझा देता था कि कैसे टैकल करनी है, तो आई फील की पजल में बहुत अच्छे तरीके से फिट होते हैं एक दूसरे के। या दिग्विजय व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम स्प्लिट्स विला? इज दैट एनी मूवी? इज दैट एनी शो? और इज दैट एनी मोर रियलिटी शो? नहीं अभी मेरा एक्टिंग वगैरह का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट रिसेंटली आई रियलाइज कि बहुत क्रेजी चीज है एक्टिंग, मतलब मेरे को बचपन में देखते रहते हाँ क्या है यार कर लेनी है या मतलब क्या डायलॉग ही तो बोलना है ऐसे है, बट आई रियलाइज कि वो इमोशंस पुट करने अपने माइंड में, जी माइंड में क्या पूरे अपने जहन में बसाने और उसको उस तरीके से बोलना इज वेरी टफ। मतलब हमने तो रियलिटी शो किया, हमारे जो मना था हम कर देते हैं, बट वही कैमरे पे अगर आपको रोल दिया इस या सर्टेन वे में करना है कैरेक्टर प्ले करना इज नॉट तो ये इजी. ट्रिकी चीज है और आई फील की बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स को लेके बात चल रही है या एंड आई एम ग्लैड कि अच्छे कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह अब बन रहे हैं जो कि पहले नहीं बन पाते थे, गुड. एंड होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड कुछ अच्छी चीजें डेफिनेटली आने वाली है जल्दी आर कुछ। यू हाँ लर्निंग एक्टिंग ऑल्सो लाइक? आई हैव डन कोर्स पहले भी बट हाँ वो बस कर लिया था मैंने एंड इट वॉज गुड। अब धीरे धीरे मैं घर पे भी कभी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, लाइक माई फ्लैटमेट इज एन एस्पायरिंग एक्टर तो जी वो कुछ करता है प्रैक्टिस, तो मैं यार मैं भी करता हूँ, तो फिर हाँ ऐसे थोड़ा बहुत मजा आता है अलग अलग तरीके से करने यस में एक वो फ्रेज, तो सही है। बाकी और रियलिटी शोज हैं उसका भी बिग बॉस, बिकॉज हाँ ये लाइफ ही तो आजकल बिग बॉस के लिए हो रहा है. मोस्ट कंट्रोवर्सियल गाय विल बी इन आई अ बिग बॉस डोंट फील कि कंट्रोवर्शियल होगा, जिसमें दम होगा वो होगा बिग बॉस थ्रू. में, मतलब कंट्रोवर्सी ठीक है कर लोगे बट ऐसे फेम का आई डोंट फील कि कुछ यूज है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जानी जी चाहिए मतलब, एंड बिग बॉस की अगर बात करें लोग बहुत देखना चाह रहे हैं, कमेंट्स भरे रहते हैं बिग बॉस जाओ बिग बॉस जाओ बिग बॉस जाओ, टैग्स या आते रहते हैं, बट आई एम थिंकिंग ऑनेस्टली मतलब पहले अगर 3 साल पहले बोलते कि भाई तुझे रोडी स्ट्रिट फिलाओ बिग बॉस मिल गया और तू कर लेगा, तो हाँ होता था बिना सोचे समझे, बट अब चीजें थोड़ी समझ आ रही हैं कि भाई जी. करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो हल्का सा है, बट अगर मैं करूंगा आई डोंट नो इस बार करूंगा या कब करूंगा, अगर कभी भी करा मैंने तो ऑडियंस को बहुत मजा आएगा एंड या आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आई विल डू वेल, इवन वी बट वांट टू सी यू इन अ बिग बॉस हाउस. हाउ दिग्विजय विल मैं भी अपने शो आप हर न्यू शो हिज न्यू साइड ऑफ जो अभी तक आपने भी डिस्कवर ना किया हो. डेफिनेटली बहुत ज्यादा मतलब अभी लोग इतना प्यार कर रहे हैं तो आई फील कि बिग बॉस में तो मैं खुला सांड हो जाऊंगा, मतलब वहां ना कोई टीम है, थ्रू मतलब रोडीज में गैंग्स होती थी ना कोई कनेक्शन और ना किसी की वोट चाहिए है, नॉमिनेट करते रहो पूरा महीना जो मर्जी करते रहो, मेरा जो दिल आएगा वो मैं करूंगा, अगर ऑडियंस पसंद करेगी तो रखेगी वरना निकाल देगी, तो फिर मैं खुल के खेल सकता हूँ, जी वो भी मेरे माइंड में चीज है कि जो रोडीज और स्प्लिट्स में नहीं देगा वो अलग लेवल क्रेजी जी देख सकते हैं दिग्विजय को, जब वो पूरा ऑल इन जाएगा जो अपने मन से खेलेगा पूरा जो उसका दिल करेगा, बट आई एम थिंकिंग लेट्स सी कैसा होता है क्या या कैसे चीजें टर्न आउट करती हैं, लेट्स सी जनता दरबार होने वाला है जल्दी. आई एम एक्साइटेड, मजा आने वाला सब होंगे वहां पे फेस टू फेस. चीजें और क्लियर हो सकती है. है क्लियर नहीं मेरे को लगता है खराब ही होंगी चीजें और लोगों के लिए तो या डेफिनेटली, क्योंकि वो बेसलेस चीजें इलॉजिकल चीजें बोलते रहते हैं, अगर मुझसे कुछ ऐसा बोला बोला या कुछ हुआ तो फिर वो जो चार सुन वो लेंगे और खुद फिर अगर वहां पे कुछ आप पे आए क्वेश्चंस या कुछ आप पे फिर से एलिगेशन लगे, यू विल क्लियर दैट और यू वांट टू बी लाइक शांत रहता है? मन तो मेरा शांत रहने का, बट अब कोई सामने से बोल रहा है और कुछ हुआ ऐसा तो बन गया तो मैं बोल दूंगा, और फिर वरना अगर
आप लोग जैसे हो, आप लोग पूछना चाहेंगे या फैंस पूछना चाहेंगे तो उनको मैं आंसरे बोलूंगा, लेकिन ये जो बाकी बट व्हाट इफ कंटेस्टेंट्स, कंटेस्टेंट्स इनको इनको तो मैं ऑनेस्टली अब सुनना भी पसंद नहीं करूंगा। ट्रू, पहले मैं देखता था कि भाई ये क्या डाल रहे हैं, क्या चल रहा है, अब मेरा हो चुका है इन सबसे कि ये पागल हो चुके हैं, ये कुछ भी आके लाइव में बोलते हैं, कुछ भी पॉडकास्ट में बोलते हैं। कोई कोई मुझे बताते कह रहे हैं, जैसे सचिन बोलता है भाई वो पॉडकास्ट देखो उसमें इतना बोला, मैंने ऑनेस्टली चलाया, मैंने वो 30 सेकेंड्स का अपकमिंग ट्रेलर देखा और जी उसके बाद हुआ, मैं कहा भाई दिग्विजय क्या कर रहा है, मतलब हम्म, क्या इनको क्या बैठे हुए देख के, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं बैठ के, इनको देख के क्या मिलेगा, बोलने दो भाई इनको, जो इनको जी बोलना है तो अपना कर। तो मेरा हो चुका है इन सबसे, मेरे को नहीं है मतलब पॉजिटिव वे में मिलना है, मिलो मुझसे, लेकिन ये उल्टी फुल्टी बातें क्लियर ट्रू, करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ तुम्हारी, तुम्हें और ज्यादा मतलब इन्हें क्लाउड चाहिए मुझसे या क्या चाहिए इनको, चाहिए कि भाई दिग्विजय हमारे बारे में कुछ बोल दे या कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, ऐसा हो जाए, तो भाई मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ, मेरा हो चुका है अब इस सबसे, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, अपना काम पे ध्यान है मेरा, सिंपल एज दैट। दैट्स परफेक्ट। हाँ सो लास्टली दिग्विजय, वन मैसेज फॉर द ऑडियंस। फैंस को ये बोलना चाहूंगा यार इतने सारे प्यार के लिए, थैंक यू सो मच, एंड मीन्स अ लॉट, लाइक एडिट्स पे एडिट्स, मेंशंस पे मेंशंस, कमेंट्स पे कमेंट्स, और जहां देखो वहां दिग्विजय 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 चल रहा होता है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग, एंड आई होप कि आप लोग मजा आ रहा होगा दिग्विजय को देखने में। थैंक यू दिग्विजय फॉर गिविंग अ थैंक प्रीशियस यू, टाइम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।